फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हॉट व्हाइट चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर ये होता है, हम लोग जब चॉकलेट मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर पे रखते हैं तो वो वाला पतीला हमारा कभी कभी पानी में टच कर जाता है, इसके वजह से हमारा चॉकलेट पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं उसका वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगी। उससे हम कैसे हॉट चॉकलेट बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वही चॉकलेट है जो मेरा ये ख़राब हो चुका है। तो इससे मैं कैसे हॉट व्हाइट चॉकलेट बनाती हूँ ये देखते जाइए आप। ये मेरे पास बॉइल्ड मिल्क रखा हुआ है, ये मैं एक कप ले लेती हूँ। मेरे पास ये पूरा एक कप मिल्क है। ये मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, इसमें से थोड़ा सा दूध मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी, बाकी का ये दूध मैं इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसको बॉईल करने की प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास शुगर है, थोड़ा सा शुगर मैं लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। मीठा आप कितना खाएंगे उसी हिसाब से आपको डालना है। दूध के हिसाब से मेरे पास चॉकलेट ज़्यादा था इसलिए मैं चीनी कम डाल रही हूँ। चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम ये मेरा जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने बना के रखा था ये हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको लगातार स्टर करना है, नहीं तो हमारा दूध नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी ये ठीक हो गया है। हमें और थोड़ा सा इसको ठीक करना है, ज़्यादा ठीक मत कीजिएगा क्योंकि वैसे भी ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इसको मैं बार बार स्टर कर रही हूँ। ये हम फ्रेंड्स इतना ही ठीक रखेंगे, इसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको कैसे रखा है, कितना ठीक रखा है। देखिए चम्मच से मैं गिरा रही हूँ तो ये नीचे पूरा गिर रहा है। देखिए इसको हम थोड़ी सी ठंडा कर लेंगे फिर इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये चॉकलेट थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है ठंडा होने के बाद। मैं अब इसको सर्व करने वाली हूँ ये कप में। मेरे पास कोकोआ पाउडर है, इसको मैं डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हॉट व्हाइट चॉकलेट बनके तैयार है पीने के लिए। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना। आप इसको बनाइए, पूरे घर को पिलाइए
और आपके आपका जो अनुभव है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।